So today we are start our chapter number second of history, the earliest societies, यानी हमारी पुरानी societies कैसी होती थी वो हम इस chapter में read करेंगे. Okay, so firstly introduction है, the ability to learn and use hand has put on a man on the path of civilization. पहले के time में जब व्यक्ति ने नया नया सीखना चालू किया, अपने हाथों का यूज़ करने को करना सीखा, तो उसने सिविलाइजेशन के पाथ पे रास्ते पे स्टार्ट कर दिया था. इन द एशियन टाइम, पुराने टाइम पे, ही हैड्स टू लिव इन अ ग्रुप, वो एक ग्रुप्स में रहते थे, ना कि सिंगल सिंगल मैन अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे. ऐसा नहीं था, जितने भी लोग थे सब साथ में रहा करते थे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ पर जो वाइल्ड जानवर वगैरह रहते थे वो उनसे उनको डर था, ताकि वो उनको ना खा जाएं, इसलिए वो लोग सब सिक्योरिटी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए सब साथ में रहते थे. ठीक है, अब उन लोगों के पास उस टाइम पे उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं कि खाना हमें कहाँ से गेन करना है और कहाँ से नहीं करना है, क्या हमारे लिए सेफ़ है क्या हमारे लिए नहीं है, और ना उस टाइम पे वो लोग खाना जो बनाना जानते थे, उन्हें इतना सब तो यूज़ तब आता नहीं था, तो वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों को मारकर खाते थे, और वो उनको पूरी जगह पर घूमते रहते थे कभी कहीं सर्च ऑफ फूड के लिए, और फिर वो लोग उनको मार के, जानवरों को मार के खाते थे. इन हिज एंडेवर ऑफ हंट एनिमल्स, क्लीन हाइड्स एंड प्लक फ्रूट्स, अर्ली मैन फाउंड स्टोन्स क्वाइट हैंडी. ठीक है, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जब जो फ्रूट्स वगैरह खा के और अपना जानवरों को मारने के खाने के बाद एक नई चीज़ उन्होंने धीरे धीरे सीखी, स्टोन का यूज़ करना. ही कुड स्ट्राइक एनिमल्स, उन्होंने फिर धीरे धीरे जो स्टोन्स होते थे उनको जानवरों को उनसे मारने का यूज़ करना सीखा, और फ्रूट्स को तोड़ना सीखा. मोर एवर ही कुड ब्रेक स्टोन इन टू डिफरेंट शेप्स, फिर धीरे जो पहले जो स्टोन्स होते थे उन्हीं से ही वो डायरेक्ट यूज़ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने उसी को शार्प करके उन्हीं को एक शेप देकर फिर उसका यूज़ किया, है ना. द पीरियड ऑफ द यूज़ ऑफ स्टोन स्ट्रेसेस ओवर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो जो पीरियड था वो एटलीस्ट 5 ईयर्स पहले का था. दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द स्टोन एज, और वो जो पीरियड था वो क्या कहलाता है, स्टोन एज कहलाता है, बिकॉज वहाँ पे जो स्टोन थे वो फर्स्ट उनका हथियार यूज़ होना स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ स्टोन का ही यूज़ करते थे, और इसके अलावा कुछ और यूज़ करना उन्हें नहीं आता था. आफ्टर दिस द टोटल पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इन टू 4 एज. ठीक है, जो टोटल पीरियड ऑफ हिस्ट्री का है वो 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है. द स्टोन एज किया गया है क्योंकि उस टाइम पे स्टोन का काफ़ी ज़्यादा चीप उसमें वो लोग वो उसका यूज़ करते थे, चीफ मटेरियल था. उसके बाद होता है चार्कोलिथिक एज, तो उस टाइम पे कॉपर का काफ़ी ज़्यादा चीफ मेटल हुआ करता था. देन ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज का, एंड देन लास्ट है द आयरन एज, उसमें काय का, आयरन का. ठीक है, वेरियस मशीन्स में यूज़ होता था, होने लगा है, दैट मीन्स आज यानी प्रेजेंट एज. देन हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे. इफ़ वी शैल फर्स्ट स्टडी द स्टोन एज. ठीक है, दिस पीरियड इज़ बीन द लॉन्गेस्ट, सो वी शैल डिवाइड. ये पीरियड स्टोन एज जो था वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग समय तक चला था, इसलिए इस पार्ट को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, है ना. थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. दैट इज़ योर पैथोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज. दिस 3 डिविजन्स हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिक ऑफ प्रोग्रेस अचीव ड्यूरिंग दिस पीरियड. धीरे धीरे जो लोगों ने चीज़ें अचीव करी, धीरे धीरे जो लोगों ने चीज़ें करना सीखी, वो ये 3 एज के उसमें बताया गया है, इन 3 एज में सिखाया गया है. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, दिस डिवाइस आर मार्क्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ टूल बनाना सीखे. इन द बिगनिंग में क्या था, द स्टोन टूल वॉज क्रूड इन फॉर्म, बट विद टाइम धीरे स्टार्टिंग में सिर्फ उन लोगों को काय का यूज़ करना आता था, स्टोन का यूज़ करना आता था, लेकिन विद द टाइम उन्होंने दे बिकम शार्पर, लाइटर, स्मॉलर एंड मोर इफ़िशियंट. यानी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो स्टोन का यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसको शार्पर, और उन्होंने उसको शार्प करना सीखा, लाइटर करना सीखा, छोटे शेप्स बनाए, बड़े शेप्स बनाए, और बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट बनाया, और ज़्यादा उसको अच्छा बनाया. ओके, सो आफ्टर दिस पैसोलिथिक एज है, उसके बारे में है.
ड्यूरिंग द पैसोलिथिक एज और अर्ली स्टोन एज अर्ली मैन लीड अ लाइफ सिमिलर टू एनिमल। स्टार्टिंग में पैसोलिथिक एज जो बिल्कुल स्टार्टअप था उस टाइम पे जो लोगों की लाइफ थी वो बिल्कुल ही जानवरों की तरह मिलती जुलती थी, विद द ओनली डिफरेंस उनमें क्या था कि जो इंसान थे वो अपने दो लेग और अपने दो हाथों का अलग अलग यूज़ करते थे और जो जानवर थे वो चारों पैर पर चलते थे, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस था। उसके बाद हंटर गैदर, अब वो लोग हंटिंग वंटिंग कैसे करते थे, अर्ली मैन मूव्ड इन अ ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर जगह पे वो लोग एक ग्रुप में जाते थे फूड खाना ढूंढने के लिए, और उस टाइम पे चीफ सोर्स ऑफ फूड क्या था, जानवरों को मार के खाना और फूड्स को तोड़ के खाना, ठीक है। सो ही मूव्ड अलॉन्ग रिवर्स एंड वैली, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक इधर उधर घूमते रहते थे। ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ वंडर बिकॉज इट गेव हिम सिक्योरिटी अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स। और वो लोग सब इकट्ठे रहते थे, अ ग्रुप कंपेयर्ड अ फ्यू मैन, जिसमें कुछ वुमेन्स, कुछ वुमेन, कुछ मैन और कुछ चिल्ड्रंस होते थे। सिंस ही हैड नॉट डिस्कवर्ड फायर अंटिल देन ही ईट इज फूड रॉ, जब तक उन्होंने फायर को डिस्कवर नहीं किया था उसके पहले वो लोग कच्चा खाना ही खा लेते थे। ही ईट वॉट एवर ही कोड लाइक फ्रेश मीट, जो भी उनके पास होता था, जिस भी वो जानवरों को मारते थे उन्हीं को डायरेक्टली खा जाते थे बिना पकाए, बिना कुछ। फ्रूट भी जैसा होता था, फ्लावर्स हो गए, सीड्स हो गए, बीजे हो गए, रूट्स हो गए, उनको जो मिलता था वो वैसा का वैसा एज इट इज़ खा लेते थे, क्योंकि उन्हें उस टाइम पर तो कुछ नॉलेज थी नहीं। उसके बाद उन्होंने टूल्स और वेपन्स का क्या था, ये हम पैसोलिथिक एज, क्योंकि ये स्टार्टिंग की एज है इसलिए उनको यहाँ कुछ नहीं आता था, आप लोग समझ सकते हो, है ना। द एबिलिटी टू यूज़ एंड इंडिपेंडेंटली हैव्ड अर्ली मैन अ ग्रेट डील, जब उन्होंने धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली अपना हैंड्स का यूज़ करना सीखा तो उन्होंने धीरे धीरे उस टाइम पे टूल्स और वेपन्स भी बनाना सीखे। देखो पहले सिंपल था, फिर उन्होंने इसको शार्प करना सीखा और अच्छे अच्छे नए 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 शेप्स दे दे के स्टोन्स बनाते थे, जो उनको खाना ढूंढने में यानी फ्रूट्स को तोड़ने में और जानवरों को मारने में काम आते थे। सिमिलरली ही कुड यूज़ बोन्स, एवरी ब्रोकन ब्रांचेस, है ना, जो जानवरों को जो मारते थे उनकी जो बोन्स होती थी उनसे भी वो अपने टूल्स वगैरह ना बनाने लगे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ही ब्रोक स्टोन्स इनटू पीसेस एंड यही सब चीज़ें हैं। देन एज ही अंडरस्टूड the utility of these tools, he started to shape them a better manner. The stone tools and weapons in the earliest time is crude in a form. जो मैंने समझाया वही है। ओके बाद उसके बाद है after this shelter, ठीक है। shelter क्या होता है, छत, छत जहाँ के वहाँ वो रहते थे। अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक अ शेल्टर, उन्हें उस टाइम पर शेल्टर बनाना नहीं आता था अपने आप। सो ही लिव ऑन ट्रीज एंड इन केव्स, ट्रीज के ऊपर रहते थे या फिर केव्स में यानी गुफाओं में रहते थे। एज ही मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एवरी अप्रोचिंग इवनिंग मेड इट नेसेसरी फॉर हिम टू लुक सम शेल्टर। हर इवनिंग में, हर नाइट में, क्योंकि वो जहाँ से वहाँ घूमते रहते थे तो हर दिन उन लोगों को यहाँ से वहाँ अपने लिए शेल्टर ढूंढना पड़ता था, क्योंकि उनका कोई एक ठिकाना तो था नहीं। However, he began to realize that shelter protected him from, फिर उन्होंने धीरे धीरे ये जाना कि shelter क्या होता है, shelter छत हमारे किस काम में आती है, हमें हवा से, हमें पानी से, हमें ठंड से, हमें गर्मी से और वाइल्ड जानवरों से हमें बचाती है, ठीक है। आफ्टर दिस है क्लॉथिंग, अब वो लोग खाना, अब वो लोग खाने के बाद किस पर आए, कपड़े पर आए। अब कपड़े का क्या था, अर्ली मैन व्यर क्लॉथ्स ओनली आउट ऑफ नेसेसिटी, जब उनको ज़रूरत लगती थी तभी वो पहनते थे। ही यूज ट्रीज लीव्स, वो उन्होंने ट्रीज लीव्स जो पत्तियाँ होती थी उनसे बाग टू कवर हिज बॉडी, उससे वो कवर करते थे। वैन ही वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ फॉर विंड और कोल्ड, जब उनको ठंडी हवा या फिर सर्दी से अपने आप को बचाना होता था, या फिर ही यूज द एनिमल्स हाइड, और कभी कभी वो जानवरों की खाल का भी यूज़ करते थे। इट इज़ बिलीव दैट ही वेस्ट ही वॉश्ड एंड ड्राइड इट बिफोर ही यूज्ड इट, और ऐसा कहा और ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि उनको जब वो लोग पत्तियों का और जो उसका यूज़ करते थे उसको पहले वॉश करते थे उसके बाद उसका यूज़ करते थे। इन द बिगनिंग ही डिड नॉट वेयर क्लॉथ्स, और स्टार्टिंग में वो लोग क्लॉथ्स भी नहीं पहनते थे, फुल टाइम पे कभी कभी ही पहनते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, पर धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने क्लॉथ्स का यूज़ करना सीखा, क्लॉथ्स बनाना सीखे, ठीक है।
देन उसके बाद बात आती है आर्ट की. तो अर्लीमैन वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट. उस टाइम पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट माने जाते थे. वी कैन सी फ्रॉम मैनी वॉल पेंटिंग. और कहीं कहीं हम जाते हैं तो कहीं कहीं दीवारों पे पेंटिंग बनी हुई होती है, तो हम उससे उनको जज कर सकते हैं. ही वॉज नॉट बिजी गैदरिंग और हंटिंग. वो लोग ऑल द टाइम सिर्फ गैदरिंग और हंटिंग में ही बिजी नहीं होते थे, बल्कि वो ये सब चीज़ें भी करते थे. ही कर्व्ड एंड पेंटेड इन द रॉक्स पे, पत्थरों पे. और आर्किटेक्चर स्किल्स आज भी हमें देखी जा सकती हैं. दिस कर्विंग एंड पेंटिंग मैन्युफैक्चर्स द प्रेवलिंग आर्ट्स फॉर लाइक हंटिंग लार्जेस्ट एनिमल. फूड गैदरिंग कैसे करते थे वो लोग, है ना, तो उसी की वो लोग पिक्चर्स बनाते थे. डांसिंग इन अ ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे वो लोग सब मिलकर डांस कर रहे हैं, उसी की वो लोग पेंटिंग्स बनाते थे, क्योंकि उन्हें उस टाइम पर तो कुछ पेंटिंग वगैरह का भी आर्ट का भी इतना नहीं पता था, है ना. उसके बाद आती है रिलीजियस बिलीफ पे. तो वी कैन नॉट से विथ सर्टेनली अबाउट रिलीजियस. उस टाइम पे कोई रिलीजियस, कोई अलग अलग कास्ट वगैरह चीज़ें तो होती नहीं थी, एज लैंग्वेज हैड नॉट येट डेवलप फुली. और उस टाइम पे पूरी लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुई थी, एंड एक्सप्रेशन वॉज इन इट्स प्रिमिटिव फॉर्म. इट इज नॉट पॉसिबल दैट ही हैड डेवलप्ड सर्टेन बिलीव्स. स्टिल एज ही लिव्ड इन अ लैप ऑफ नेचर, ही माइट हैव बीन फ्राइटेंड बाय द फ्यूरी ऑफ लाइटनिंग, थंडर, रेन एंड स्टॉर्म. सो ही वर्शिप दैम एज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ही वर्शिप्ड हिज एनकेस्टर्स. ही बुराइड अ डैड पर्सन विद द टूल एंड पोट्री, थिंकिंग दैट ही माइट नीडेड दैम लेटर. सो उस टाइम पे कुछ वर्शिप वगैरह का तो कुछ था नहीं, क्योंकि उन लोगों को उस टाइम पे इतना कुछ तो पता नहीं होता था कि क्या चीज़ सही है. बस जब उन लोगों को किसी चीज़ से दिक्कत होती थी या कभी रेन और स्टॉर्म में मतलब वो लोग फंस जाते थे, तभी वो लोग प्रे करते थे कि कुछ चीज़ मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि हम बच जाएँ, है ना. बस ऐसा ही होता था. बाकी उन लोगों को उस टाइम पर ज़्यादा कुछ उसकी नॉलेज नहीं थी. देन डिस्कवरी ऑफ अ फायर कैसे हुई. इट वॉज प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द पैसोलिथिक एज. जब बिल्कुल एंड पे आया था पैसोलिथिक एज, दैट फायर वॉज डिस्कवर्ड. उस टाइम पे फायर डिस्कवर हुआ था. इट माई बी बाय चांस. वो भी जस्ट सडनली हुआ था दैट ही डिस्कवर्ड इट. मतलब बाय चांस हो गया था. हिटिंग स्टोन्स माइट, किसी ने ऐसी स्टोन को हिट करके किया, उनसे गलती से हो गया था. तो वो कॉज स्पार्क, तो उन्हें एकदम से स्पार्क दिखी, तो उसका रिजल्ट उन्हें क्या दिखा, फायर. ही कुड फाइंड द यूज़ ऑफ फायर इंस्टेंटली. देन उन्होंने धीरे धीरे फायर का यूज़ करना सीखा. इट कीप्ड हिम वार्म. देन वो उन्हें गर्म रखती थी और लाइट एंड हिज शेल्टर एंड और अपनी शेल्टर में लाइट देती थी. कीप द वाइल्ड एनिमल्स अवे, और जंगली जानवरों से भी दूर रखती थी. विथ हिम ही ऑल्सो लर्न हाउ टू रोस्ट फूड. देन उन्होंने खाने को रोस्ट करना सीखा. विथ मेड इट्स फूड सॉफ्टर, और जो उनके खाने को और सॉफ्ट बना देता था और टेस्टियर और हेल्थियर बना देता था. ठीक है. सो उसके बाद आती है आपकी मेसोलिथिक एज. ठीक है. सो मेसोलिथिक एज में क्या दिया हुआ है कि द मेसोलिथिक एज और अ मिडल स्टोन एज. ये कौन सी कहलाती है, मिडल स्टोन ऑफ एज कहलाती है. तो इज डेवलप्ड ओवर द अर्ली स्टोन एज, है ना. ये कब डेवलप हुआ था, अर्ली स्टोन के पहले. थ्रू द रेट ऑफ डेवलपमेंट वॉज स्लो. उस टाइम पे डेवलपमेंट ऑफ स्टोन बहुत स्लो था, येट इट वॉज अ सिग्निफिकेंट. द स्टोन टूल्स यूज इन दिस बिकम शार्पर. इस टाइम पे जो शार्पर बहुत हो गए थे, स्मॉल हो गए थे और मोर इफिशेंट हो गए थे. टू हैव बीन फाउंड विद द ट्राइड एंड सेट द वुड ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ केयरिंग द हैंडलिंग. अर्ली मैन हैड स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड विद वॉट अ सीड वॉट अ सोर इन द ग्राउंड. मतलब जमीन में सीड का यूज़ क्या होता है. इट स्पॉटेड इन टू अ प्लांट आफ्टर सम टाइम. फिर उन्होंने धीरे धीरे इस मैसोलिथिक एज में जो प्लांट लगाना सीखे कि बीजे से प्लांट लगता है. इट हैड ऑल्सो यूज सम टाइप ऑफ स्टोन एंड वुडन पोएट्री. फिर उन्होंने धीरे धीरे लकड़ी का भी पोएट्री बनाना सीख ली. टू स्टोन फूड और वाटर. जैसे वो लोग स्टोन का यूज़ करते थे, ऐसे उन्होंने लकड़ी का भी यूज़ करना सीखा. ठीक है. इनफैक्ट द मैसोलिथिक एज कैन बी कॉल्ड द ट्रांजिशन पीरियड, और इसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी कह सकते हैं. इन विच वी फाइंड द फीचर्स ऑफ द बोथ द अर्ली स्टोन एज एंड द न्यू स्टोन एज. ठीक है. तो इसमें ही दोनों तरह के फीचर्स फाइंड कर सकते हैं हम, अर्ली स्टोन एज के भी और न्यू स्टोन एज के भी. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो. अब मैं कल इसकी आपको एक्सरसाइज सेंड कर दूंगी, है ना. आप इसको समझने की कोशिश करें और इसका चैप्टर जो मैं भेजूंगी आप उसको फेयर करें.
थैंक यू।